नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्वी टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन के बारे में। क्या होते हैं पार्टीशन, कितने टाइप के होते हैं और किसका अपना क्या क्या यूज है। अगर हम बात करें एक फ्रेश हार्ड डिस्क की, तो उस पर कोई भी पार्टीशन नहीं होता। किसी फ्रेश हार्ड डिस्क पर डेटा को स्टोर करने के लिए हमें उस पर कम से कम एक पार्टीशन क्रिएट करना होता है। अदरवाइज आप उस हार्ड डिस्क पर कोई भी डेटा सेव नहीं कर पाएंगे, कोई भी डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। पार्टीशन के तीन टाइप्स होते हैं, पहला प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा एक्सटेंडेड पार्टीशन और तीसरा लॉजिकल पार्टीशन। अब इन तीनों ही पार्टीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन किसी हार्ड ड्राइव का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो इसी प्राइमरी पार्टीशन पर इंस्टॉल होता है और इसी से बूट होता है। एक MBR डिस्क पर, यानी कि अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव को एज MBR डिस्क इनिशियलाइज करते हैं या MBR बनाते हैं, तो इस पर आप मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें, यानी कि GPT सिस्टम की बात करें, तो उस पर आप 128 तक प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। MBR और GPT पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जल्द ही लिंक मिल जाएगा। अभी ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि MBR और GPT समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पार्टीशन कौन कौन से हमारे पास और किस लिए है। बात करते हैं अगले एक्सटेंडेड पार्टीशन की। एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी डिस्क का वो डिफाइंड एरिया होता है जिसमें लॉजिकल ड्राइव्स स्टोर रहती हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी डिस्क में सिर्फ एक ही होता है जिसमें मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से हाइलाइटेड एरिया है, ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है और इसके अंदर 3 लॉजिकल पार्टीशन है। यानी कि एक एक्सटेंडेड पार्टीशन एक डिस्क में एक ही होगा और उसके अलावा जो पार्टीशन आप बनाएंगे वो प्राइमरी पार्टीशन होगा। अगला बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे लॉजिकल पार्टीशन की। ठीक है, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल पार्टीशन है, लेकिन वो क्या है और हम कितने बना सकते हैं। तो गाइस ये आप कितने भी बना सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। आपके पास जितना स्टोरेज स्पेस है आप डिवाइड करते जाइए, लॉजिकल पार्टीशन बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना स्टोरेज आपके पास होगा उतना लॉजिकल पार्टीशन आप बना सकते हैं। लॉजिकल पार्टीशन में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस पार्टीशन से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं कर सकते। और ये ही लॉजिकल पार्टीशन और प्राइमरी पार्टीशन में एक मेन डिफरेंस है। आप में से काफी सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यार जब हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन है बनाने के लिए और उसमें हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बूट भी कर पा रहे हैं, तो हमें लॉजिकल पार्टीशन की जरूरत ही क्या है। तो गाइस आपका सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस प्राइमरी पार्टीशन बूट कर सकता है, लॉजिकल पार्टीशन नहीं कर सकता। लेकिन खैर अब तो हमारे पास GPT पार्टीशन स्टाइल है जिसमें हम 128 तक प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, इसलिए ये सवाल पैदा हो सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, हमारे पास MBR पार्टीशन स्टाइल था। हालांकि आज भी है, लेकिन आज हमारे पास चॉइस है, पहले हमारे पास GPT की चॉइस नहीं थी। तो पहले MBR पार्टीशन स्टाइल था जिसमें 4 ही प्राइमरी पार्टीशन हम क्रिएट कर पाते थे, और ऐसे में अगर किसी को 4 से ज्यादा भी पार्टीशन क्रिएट करने होते हैं तो गाइज MBR तो 4 से ज्यादा की इजाजत आपको देता नहीं है, और ऐसे में वहां पे आपको लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने पड़ते थे। तो वहां पर आप 3 प्राइमरी पार्टीशन और एक एक्सटेंडेड क्रिएट करके उसमें कितने भी लॉजिकल क्रिएट कर सकते हैं। खैर MBR और GPT के बारे में तो आपसे जल्द ही नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्टीशन पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।